गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स, अभी तुम लोगों के सिलेबस में थर्ड यूनिट में एक उपन्यास है, दीक्षांत। सूर्य बाला से लिखित उपन्यास है दीक्षांत। उसका अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे। इस वीडियो से शुरू करते हुए आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सूर्यबाला उपन्यास का परिचय जो संक्षिप्त रूप से दिया गया है, उपन्यास का नाम है दीक्षांत। उपन्यासकार सूर्यबाला, डॉक्टर सूर्यबाला, इनका परिचय यहाँ पर दिया गया है। हिंदी की प्रख्यात प्रतिष्ठित कथाकार एवं व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1947 को वाराणसी में हुआ। इन्होंने आर्य महिला विद्यालय में अध्यापन कार्य से अपना कार्य आरंभ किया। इन्होंने अब तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग्य लिखे हैं। समकालीन कथा साहित्य में सूर्यबाला जी का लेखन अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखता है। सजायाफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म को वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म पुरस्कार प्राप्त है। इनका जो सजायाफ्ता कहानी जो है, कहानी पर बना हुआ टेलीफिल्म जो है, उसे 2007 में सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म, बेस्ट टेलीफिल्म की जो उपाधि या पुरस्कार प्राप्त है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय एवं नेहरू सेंटर लंदन में इनकी कहानी एवं व्यंग्य रचनाओं का पाठ होता है। माने सिलेबस में, उनके सिलेबस में इनके व्यंग्य रचनाओं को रखा गया। कई पुरस्कारों से सम्मानित सूर्यबाला जी की कहानी तथा व्यंग्य टीवी धारावाहिक माध्यम में रूपांतर कर प्रस्तुत किया गया है। इनके उपन्यासों में दीक्षांत तथा यामिनी कथा बहुत प्रसिद्ध और इनके चर्चित उपन्यास है। तो यहाँ ये आपके सिलेबस में जो निश्चित उपन्यास है दीक्षांत, उसका संक्षिप्त जो कथा वस्तु किस प्रकार की है उसे हम देखेंगे। सूर्यबाला जी से लिखित यह उपन्यास दीक्षांत का छह भाग बनाया गया है। परिसर, यंत्रणा, माने इसके छह क्या है चैप्टर है। परिसर, यंत्रणा के कोण, चक्रव्यूह, प्रयाण, लोग और आलोक बिंदु। और इसका मुख्य और नायक पात्र है डॉक्टर विद्याभूषण। यहाँ का कैरेक्टर, मतलब मेन कैरेक्टर जो है डॉक्टर विद्याभूषण है। बीए की परीक्षा में टॉपर, एमए में गोल्ड मेडलिस्ट तथा पीएचडी करने के बाद अध्यापक बने हुए हिंदी अध्यापक। नायिका उनकी पत्नी कुंती हैं। इलेबरंत दियारड कैरेक्टर, एक डॉक्टर विद्याभूषण है मेन कैरेक्टर और दूसरा जो है उनकी पत्नी कुंती। इन दोनों के अलावा प्रिंसिपल राजदान, उनकी पत्नी संतोष राजदान यानी तोशी शर्मा सर के सहयोगी डिसूजा, यादव गायतोंडे, चंद्रबान सिंह, इसके साथ मिसेज सबरवाल, मिसेज रीना सूरी, मिसेज मोना चौधरी, जया श्रीवास्तव आदि पात्रों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। कुछ पात्र ऐसे भी हैं जैसे कि शर्मा सर के बेटे विनय भूषण और विमल भूषण जिसे बिल्लू कहा जाता है, विद्यार्थी रत्न बरुआ, विजयेंद्र, शशांक, मनोज, सभी पात्र कहानी के विकास में बराबर सहयोग देते रहते हैं। सूर्यबाला जी से लिखित उपन्यास दीक्षांत में पहला भाग है परिसर। पहला भाग है परिसर। इसका आरंभ इस प्रकार होता है।
शर्मा सर जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए तो उनके आंखों में भविष्य के सपने संजोए कठिन साधना से अर्जित अपने ज्ञान का सर्वस्व अपने विद्यार्थियों अथवा भारत के भविष्य को सौंप देने की आकांक्षा से प्रेरित होकर ठक्कर महाविद्यालय में आए थे। परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रशासन की दृष्टि में वह जूनियर कॉलेज में नियुक्ति के लिए ओवर क्वालिफाइड है। जूनियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट के लिए उनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तथा सीनियर कॉलेज का पद अन्य व्यक्ति को दिया जा चुका है। सीनियर कॉलेज माने डिग्री कॉलेज में उनको वह क्या पद मिलने के लिए वह पद अंदर डेसिग्नेशन या पोस्ट जो कहते हैं अदनबेर के कुटा लिया। तो जूनियर कॉलेज के लिए ये ओवर क्वालिफाइड है और डिग्री कॉलेज में और किसी दूसरे को वह पोस्ट दे दिया गया है। उपन्यास के आरंभ में लेखिका ने शर्मा सर का कॉलेज का एक दिन का अनुभव चित्रण किया है। शर्मा सर का एक दिन का जो पहला अनुभव जो होता है उसका चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। उस दिन शर्मा जी जब कॉलेज पहुंचे तो किसी रतन बरुआ की गाड़ी से उछाले कीचड़ को साफ करने में लगे। तभी घंटी बज गई और वे क्लास की तरफ लपके देखा कि उनके आगे हिस्ट्री के यादव जा रहे थे और भी आते जाते लड़काओं के बीच से रास्ता बनाते वे क्लास पहुंचे। हिंदी की पद्य भारती की चौथी कविता पढ़ाने लगे तो लड़कों ने शोर करना शुरू किया। हिंदी कविता जो है पद्य भारती उसे पढ़ाने के लिए शुरू करते हैं तो तब लड़के शोर करने लमकड़ गला टमाटर शुरू मरता है। किसी लड़के ने अचानक अचानक से एक चक का टुकड़ा उनके उन चाक का टुकड़ा उनके सर के बाग पर मारा। गुस्सा कौला मगर चुपचाप पंक्तियां पढ़ने लगे। जब शोर बर्दाश्त से बाहर हुआ तो चिल्लाए लड़कों को क्लास से बाहर कर डाला। शिकायत करने की ठानी मगर उन्हें पता था कि कॉलेज में ये आजकल आम बात हो गई थी कि कोई भी क्लास में लाख शोर मचने और बेइज्जत होने पर भी सुपरवाइजर और प्रिंसिपल के सामने यही कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि एक दिन वे बंसल के बाद उसी क्लासरूम में लेक्चर होने पर उन्होंने मुड़े हुए कागजों तमाम गोले और चाक के अनगिनत फेंके हुए टुकड़े देखे थे। वे चुप रहने के लिए मजबूर हो जाते क्योंकि उनकी एक दयनीय लालसा बल्कि एक हठीला सपना कि शायद इस साल परमानेंट हो जाओ उन्हें दबोच लेना था। तो यह पहला चैप्टर उसका एक क्या है एक झलक जो कहता है यंत्रणा के कोण भाग शर्मा सर के परिवार और नौकरी के संदर्भ में आने वाले विचारों का अंकन है। शर्मा सर को लगता था विद्याभूषण शर्मा उनका जो जो हमारे इस उपन्यास का जो नायक जो होता है उनका नाम शर्मा सर को लगता था कि इस साल प्रिंसिपल राजदान मैनेजिंग कमेटी में उनके नाम की पैरवी करेंगे कुछ चमत्कार होगा। उनके नाम की पैरवी अंदर जो जैसे कि इनको क्या है हमारे इसमें रखा जाना चाहिए इस तरह वह जो आशा करता है नन्हे सरन्ना प्रपोज मरता रहे और मुझे यहाँ पर कुछ चमत्कार हो जाएगा मुझे यहाँ पर परमानेंट की नौकरी मिल जाएगी इस तरह लियोचन मरता रहे। एक सपना सा जाग गया उन्हें लगा कि चमत्कार हुआ और वे परमानेंट हुए। घर में उनकी पत्नी कुंती दो बेटे विनय भूषण और विमल भूषण सब कुछ है। उन्हें कल्पना करने लगता है उन्होंने परमानेंट आदा गए देन उसके बाद वह खबर जो है अपने घर वालों को वह बताने लगेगा और बताने पर वह सब खुश हो जाएंगे ऐसा वह कल्पना करने लगता है। अचानक उन दृश्यों की कल्पना मात्र से वे खुद जंप गए।
उन्हें लगा कि जिस स्थिति की कल्पना में इतना दम है उसकी प्राप्ति कितनी राहत भरी होगी। अंदर या वह सिचुएशन उसमें कितना दम दम होता है अगर उसकी प्राप्ति अदना पोजिशन अन्ना अचीव दृष्ट कष्ट उन्टू वह सोचने लगता है। आज के विद्यार्थियों को लेकर वे सन्नाटे में आ जाते क्योंकि जहाँ तक उन्हें याद पड़ता है जिंदगी में आज तक वे कभी ठहाका मारकर रस ही नहीं। मतलब वो आज के विद्यार्थियों के बारे में सोचता है और उसके बाद अपने विद्यार्थी जीवन में वे लोग कैसे रहते थे उसके बारे में वह सोचने लगता। तन्ना स्टूडेंट लाइफ लिताव ये गिद्रुवादर बग्गी उचन मरता नहीं। और आजकल के विद्यार्थी किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में वो सोचने लगता है। केवल बचपन में कभी हंसे होंगे मगर जब से होश संभाला सर झुकाकर संकोच जैसे बड़े भटके कहीं कोई बेहूदगी ना हो जाए गुरुजनों के प्रति। बचपन में वास्ते रहे मगर जब क्या है होश संभालना टू बिकम मैच्योर अंतरते हुए तो तब किसी को देखकर वह हंसता नहीं क्योंकि वह हंसी कहीं किसी गुरुजनों को बेहूदगी लगे अंदर तो बैड अंत और तिलकुल तिल आ रही थी आग दागे दिल। किसी को कहने का अवसर ना मिले कि विद्याभूषण तुमसे यह उम्मीद नहीं थी और किसी को देकर हंस लिया और कोई या नहीं कहेगी तो विद्याभूषण तुमसे यह उम्मीद नहीं थी इन्हीं की मरती अंतर नमगे आस ईद नंबी के लिए लागे। इस प्रकार उन्हें याद नहीं आता कि कभी उन्होंने कोई शरारत की हो। विद्याभूषण अपने बारे में अपने क्या है विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचता है आवनी के नन्हे प्रयोगे कभी भी उसने किसी तरह की शरारत नहीं की। आज भी कक्षा में कई परिश्रमी और अध्यावसायी विनयी और आज्ञाकारी लड़के भी हैं मगर बहुत कम है। आज भी इस तरह के सेल्फ डिसिप्लिन्ड और जो ऑर्डर ओबे करने वाले विनयी और जिसको ओबीडियंट स्टूडेंट हैं मगर उनकी संख्या कम है। शर्मा सर अपनी बचपन की यादों में यूं खो जाते हैं जैसे कि वर्तमान को भूल गए हों। नन्हे स्कूल होते भी बचपन में उन्हें सभी सराहते थे। मास्टर के बेटे होने के नाते सभी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित थे। उनकी एकनिष्ठ ज्ञान में ना कहीं हटता ना टकराव। उन्हें पहली बार अपना आत्मविश्वास कब डिगा याद नहीं पड़ता। अरे वह बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और वह अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी उसने खोया नहीं है। या उन्हें पहली बार अपना आत्मविश्वास कब डिगा याद नहीं पड़ता ना ही उन्हें परिस्थितियों ने कब पकड़ा याद आता है कब जकड़ा याद आता है। उन्हें अपने पिता की वे बातें याद आती है। मतलब वह विद्याभूषण शर्मा जो है उनके अपने पिताजी जो उसे समझाते रहते हैं उनकी बातें याद आती है। परिस्थिति और वातावरण से समझौता बुरा नहीं बुरी है गिरगिट बनने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात याद रखना जो सच है उचित है किसी भी परिस्थिति में अपने नफे नुकसान के लिए इन शब्दों से खिलवाड़ या अनाचार मत करना। समाज सच के सामने झुकता है सच समाज के सामने नहीं। तो उनकी पिताजी जो जिस तरह उन्हें समझाते हैं समझाते रहते थे वो बातें वह याद करता है उन बातों को वह याद करता है। शर्मा सर के लिए नया परिसर परिसर सालों तक अजनबी रहा। विचित्र सी लगती इसकी गतिविधियाँ। जो चीज़ सबसे ज़्यादा खटकती वह थी लड़कों के हाव भाव और विवाह और कार्य व्यवहार में पनपती एक ठंडी तटस्थता बल्कि अवज्ञा सी। आजकल के बच्चों को देखा जाए तो तब उनको लगता है ये बच्चे उनका हाव भाव स्वभाव और कार्य व्यवहार और में तटस्थता अवज्ञा केयरलेसनेस यह ज्ञान विज्ञान संस्कृति शिष्टाचार और सबसे बढ़कर सांस्कृतिक राष्ट्रीय पर्व त्योहारों के प्रति जोश उमंग के स्थान पर एक निहायत लापरवाही और जिम्मेदाराना दृष्टिकोण गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण आदि। मतलब
आजकल के बच्चों में जिस तरह के जो संस्कृति के प्रति, हमारे राष्ट्रीय पर्वों के प्रति, हमारा ज्ञान विज्ञान के प्रति जिस तरह की अवहेलना की बात होती है, और जिस तरह ये बच्चे जो हैं इनको क्या है एक गैर जिम्मेदाराना दृष्टि से देखते हैं, उनका दृष्टिकोण जिस प्रकार का होता है उसे सोचकर शर्मा को अच्छा नहीं लगता। तो मित्रों इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में इस जो उपन्यास जो है उसका अध्ययन आगे करेंगे। धन्यवाद।